Welcome to FSR Academy. Today I am going to show you the most easiest and the most practical way of determining the trigonometric table. That is the easiest way to learn sine cos tan table. Friends, if you are going to solve trigonometric problems, then you will get to know the significance of this table. This table plays a very vital role for determining the trigonometric values. Okay. यदि आप टिकोनोमेट्री का अध्ययन करने जा रहे हैं तो इस जो टेबल है ये अत्यधिक उपयोगी है देयर फॉर इफ यू कीप दिस टेबल इन योर माइंड एंड देन सॉल्व टिकोनोमेट्रिक प्रॉब्लम्स इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू स्कोर मोर मार्क्स फ्रॉम टिकोनोमेट्री इसलिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक्स दिखाऊंगा ये ट्रिक्स से ये जो टेबल में जो लिखा हुआ है साइन जीरो डिग्री साइन थर्टी डिग्री साइन फोर्टी फाइव डिग्री साइन सिक्सटी डिग्री साइन नाइन्टी डिग्री ये आप लोग जो टेबल में लिखा हुआ है ये आप लोग को रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है आप लोग आपका माइंड से आप लोग निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन जीरो डिग्री साइन थर्टी डिग्री साइन फोर्टी फाइव डिग्री साइन सिक्सटी डिग्री एंड साइन नाइनटी डिग्री सो लेट्स सी द ट्रिक्स आपका सामने एक पिक्चर है बिफोर यू ऑन द स्क्रीन देयर इज अ थंब स्मॉलेस्ट फिंगर है डिग्री एंड देन थर्टी डिग्री एंड देन फोर्टी फाइव डिग्री एंड देन सिक्सटी डिग्री एंड देन नाइन्टी डिग्री ओके पहले जो फिंगर है इसमें हम जीरो डिग्री हम लिखेंगे उसके बाद हम लोग थर्टी डिग्री उसके बाद फोर्टी फाइव डिग्री उसके बाद सिक्सटी डिग्री उसके बाद नाइन्टी डिग्री हम लोग का जो जितना जीरो डिग्री से नाइन्टी डिग्री सब डिग्री इधर आ गया है कोई भी एक डिग्री आप निकाल सकते हैं जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री एंड नाइन्टी डिग्री आसानी से आप निकाल सकते हैं फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन टेबल सो फॉर साइन टेबल लाइज ऑन द स्क्रीन यू जस्ट राइट दिस फॉर्मूला राइट डाउन साइन थीटर इक्वल टू ऊपर आप लिखेंगे बॉटम फिंगर दैट इज बी एफ डिवाइडेड ऑफ़ बॉटम फिंगर डिवाइडेड बाय टू ये बॉटम फिंगर क्या है ये टॉप फिंगर क्या है सिखा देंगे आप लोग आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं यू हैव टू फाइंड आउट दैल्यू ऑफ साइन फोर्टी डिग्री साइन फोर्टी डिग्री देखें साइन 45 डिग्री किधर है ये जो फिंगर में साइन 45 डिग्री लिखा हुआ है इसका नीचे कितना फिंगर है ये बॉटम फिंगर डिनोट करता है तो ये उसका नीचे 45 का नीचे ये एक है और ये एक है दो फिंगर है तो हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर टू डिवाइडेड बाई टू टू को हम लोग लिख सकते हैं रूट रूट टू ऊपर का रूट नीचे का रूट कैंसिल ऊपर एक है नीचे रूट टू है अभी हम लोग टेबल पे जाएंगे और हम लोग वेरीफाई करेंगे कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है साइन 45 डिग्री का वैल्यू वन बाई रूट टू है क्या नहीं साइन 45 डिग्री इधर है वन बाई रूट टू साइन फोर्टी फाइव डिग्री इक्वल टू वन बाई रूट टू आपका सामने है वन बाई रूट टू इस मैजिक से पूरा टेबल आपके आपका माइंड में आ जाएगा इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री 30 डिग्री किधर लिखा हुआ है 30 डिग्री इधर है, है root, 2, 30 डिग्री इधर है फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला रूट बॉटम फिंग टू थर्टी डिग्री का नीचे कितना फिंगर है एक ही फिंगर है सो so हम लोग लिख सकते हैं रूट वन का मतलब वन है डिवाइडेड बाई टू सो साइन थर्टी डिग्री इक्वल टू वन बाई टू आप देख लीजिए साइन थर्टी डिग्री इक्वल टू वन बाई टू है और एक हम लोग करेंगे आप भी कर सकते हैं अगर हम लोग निकालेंगे साइन 60 डिग्री आप देखिए 60 डिग्री किधर है 60 डिग्री इस फिंगर पे 60 डिग्री है बॉटम फिंगर कितना है वन टू तो, थ्री बॉटम में तीन फिंगर है हम लोग रूट ऑफ बार में लिख सकते हैं रूट थ्री बाई टू सो रूट थ्री बाई टू इज साइन सिक्सटी डिग्री साइंस सिक्सटी डिग्री का वैल्यू कितना है आप लोग देख लीजिए साइन सिक्सटी डिग्री का वैल्यू है रूट थ्री बाई टू ठीक है ऐसा जीरो डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री आप लोग निकाल सकते हैं, ओके okay? अभी हम लोग कॉस्ट का निकालेंगे आप लोग वेरी अटेंटिवली आप लोग देखें ओके? लेट्स सी वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट 60 डिग्री सो कॉस्ट 60 डिग्री उसका फॉर्मूला क्या है आप ये फॉर्मूला आपका सामने है आप लिख लीजिए कॉस्ट थीटा इक्वल टू रूट ऑफ आर ऑफ टॉप फिंगर डिवाइडेड बाई टू ठीक है सो so, एस वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कॉस 60 डिग्री टॉप फिंगर 60 डिग्री का टॉप में कितना फिंगर है 60 डिग्री का टॉप में एक ही फिंगर है ये एक ही फिंगर टॉप में है सो हम लोग लिख सकते हैं ऊपर रूट वन डिवाइडेड बाई टू सो वी कैन राइट वन बाई टू सो कॉस सिक्सटी डिग्री इक्वल टू वन बाई टू वी कैन चेक फ्रॉम द टेबल कॉस सिक्सटी डिग्री इक्वल टू कितना है कॉस सिक्सटी डिग्री इक्वल टू ये है कॉस एंड सिक्सटी डिग्री इधर है कॉसटी डिग्री टू वन बाई टू इन दिस वे यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस जीरो डिग्री कॉस थर्टी डिग्री कॉस फोर्टी फाइव डिग्री कॉस सिक्सटी डिग्री कॉस नाइन डिग्री नाउ वी कैन मोव फॉरवर्ड फॉर वी हैव टू फाइंड आउट एनी अंग अगर हम लोग टेन फोर्टी फाइव डिग्री निकालेंगे फोर्टी फाइव डिग्री टेन फोर्टी फाइव डिग्री हम लोग निकालेंगे आप देखिए टेन फोर्टी फाइव और टेन का कोई भी एंगल जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री नाइन्टी डिग्री हम लोग कैसे निकालेंगे ये है टेन का ऑफ बॉटम फिंगर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ बार ऑफ टॉप फिंगर अभी हम लोग वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेन फोर्टी फाइव डिग्री आप देख लीजिए टेन फोर्टी फाइव डिग्री टॉप में कितना फिंगर है एक दो टॉप में दो फिंगर है बॉटम में दो फिंगर है एक दो सो so, टॉप में दो हम लोग लिखेंगे बॉटम में भी हम लोग दो लिखेंगे रूट टू टॉप में दू है बॉटम में दू है टॉप में दू है अगर हम लोग कैंसिल करेंगे सो टेन फोर्टी फाइव डिग्री टू हो जाएगा डिग्री डिग्री इक्वल टू इफ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ साइन कॉस टेन इट इज वेरी इजियर फॉर अस टू फाइंड आउट द रिमेनिंग थ्री रेशियोज दैट इज टू कोसेक थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे साइन थीटा जो रहेगा उसको हम लोग अगर इनवर्स करेंगे तो थीटा निकलेगा साइन थर्टी डिग्री इक्वल टू जस्ट वी हैव टू वन बाई टू सो कितना थर्टी डिग्री हो जाएगा उसके बाद थीटा बाकी है सेक सेक के साथ तो थीटा का रिलेशन है थीटा इक्वल टू वन बाय थीटा कॉस फोर्टी फाइव डिग्री टू वन बाई रूट टू है वन बाई रूट टू है रूट टू बाई वन दैट इज रूट टू होगा सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉट एनी एंगल ऑफ कॉट सो वी नो कॉट थीटा इक्वल टू वन बाई टेन टीटा टेन सिक्सटी डिग्री का वेल्यू रूट थ्री है डिग्री वन बाई रूट थ्री हो जाएगा ये एक ट्रिक से सबसे आसान ट्रिक से द इजिएस्ट ट्रिक्स एवर सो इफ यू लाइक दिस ट्रिक देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल And subscribe FSR Academy YouTube channel for getting such new tricks. Thank you very much. Have a nice day. Stay connected.